बच्चों आज के हम साइंस स्टडी के चैनल पर आप सभी का मैं अनीता भारती स्वागत करती हूँ। बच्चों आज का टॉपिक है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो दीर्घ के रूप में भी आ जाते हैं और लघु के रूप में भी आ जाते हैं और टिप्पणी के रूप में भी आ जाते हैं। इसलिए ये क्वेश्चंस जो 2021 में जो संभावित क्वेश्चंस हैं जो हम आज अध्ययन करने वाले हैं वो जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं, पारिवारिक बजट से आप क्या समझते हैं। तो इसमें बच्चों क्या करना है, पारिवारिक बजट से आप क्या समझती हैं, तो इसमें क्या लेना है आपको, इसका अर्थ लेना है और एक अगर अति लघु में आता है तो इसका परिभाषा लेनी है एक और इसका अर्थ स्पष्ट कर देना है। अगला क्वेश्चन है पारिवारिक बजट की परिभाषा दीजिए। तो इसमें आपको अति लघु क्वेश्चन है इसलिए आपको क्या करना है, इसमें परिभाषा देनी है, एक भी दे सकते हो, दो भी दे सकते हैं। ठीक है, अगला तीसरा क्वेश्चन है पारिवारिक बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। पारिवारिक बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य, तो इसमें उद्देश्य लिखना है, उद्देश्य क्या है, तो इसमें 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट तक आप अति लघु में कर सकते हो। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है बजट बनाना क्यों आवश्यक है। बजट बनाना क्यों आवश्यक है, इसके कोई दो लाभ लिखिए। तो ये क्वेश्चन जो है क्यों आवश्यक है, इसमें इसका महत्व लिखना है। ठीक है, और इसके ये दूसरे रूप में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, इसके कोई दो लाभ लिखिए, है ना। तो ये लाभ, आवश्यक, आवश्यकता और महत्व और उपयोगिता, अगर आपने उपयोगिता याद करी है तो उपयोगिता में भी लाभ आ जाते हैं, ठीक है, और आवश्यकता भी आ जाती है। ठीक, तो ये दो तरह से बन के आ सकता है। और अगला क्वेश्चन है एंजल का सिद्धांत क्या है। तो एंजल ने क्या सिद्धांत दिया है वो आपको इसमें लिखना है आंसर में। छठा क्वेश्चन है बजट के प्रमुख मद कौन कौन से हैं। तो बजट के मद कौन कौन से हैं, वो ये भोजन, वस्त्र, मकान, है ना। तो इस तरीके से आपको इसका थोड़ा सा लिख देना है। अगला क्वेश्चन है उत्तम पारिवारिक बजट की दो मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तम पारिवारिक बजट की दो मुख्य इसमें विशेषताएं बतानी है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है पारिवारिक बजट कितने प्रकार के हो सकते हैं। पारिवारिक बजट कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो यहाँ पे बजट के प्रकार आएंगे। नौवां क्वेश्चन है मित व्ययता का क्या अर्थ है। तो ये मैंने बच्चों पढ़ाया भी था, वीडियो बनाई थी इसकी। ठीक है, तो मित व्ययता का यहाँ पे अर्थ स्पष्ट करना है। ठीक, और अगर ये लघु में आ जाता है तो इसको थोड़ा सा लॉन्ग कर देना है, हल्का सा। ठीक, दसवां क्वेश्चन है आय कितने प्रकार की होती है। आय कितने प्रकार की होती है, तो इसमें आय को, आय के प्रकार लिखने हैं इसमें। ठीक, ग्यारहवां क्वेश्चन है पारिवारिक बचत को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पारिवारिक बचत यानी बचत को परिभाषित करना है। ठीक है, बारहवां क्वेश्चन है बचत कितने प्रकार की होती है, यहाँ बचत, बचत के प्रकार लिखने हैं इसमें। तेरहवां क्वेश्चन बचत से होने वाले लाभ लिखिए। बचत से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं वो हमें यहाँ पे लाभ लिखने हैं। ठीक, अगर आपने महत्व याद किया है या उपयोगिता याद की है तो भी वो लाभ आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक, चौदहवां क्वेश्चन है बचत के चार उद्देश्य, यानी कि हम बचत क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, उसके लिए हमें क्या लिखना है, उद्देश्य। ठीक है, पंद्रहवां क्वेश्चन है ड्राफ्ट बनाने से क्या लाभ है। ड्राफ्ट बनाने से क्या लाभ है, ड्राफ्ट मतलब जैसे कि हम कपड़े की कटिंग करते हैं। ठीक है, कटिंग करते हैं तो कटिंग करने से पहले हम टिक लगाते हैं और टिक लगाने से भी पहले, हम निशान लगाने से भी पहले हम ड्राफ्ट तैयार करते हैं। तो ड्राफ्ट बनाने से क्या लाभ है, यहाँ पे ये लघु में भी आ सकता है। ठीक है, और ये टिप्पणी में भी आ सकता है। ठीक है, ड्राफ्ट बनाने से लाभ। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ड्राफ्ट बनाने से क्या लाभ है, तो यहाँ पे लाभ लिखेंगे कि हमारा कपड़ा गलत नहीं हो सकता, फिटिंग अच्छी आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डाक खाने में कितने प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं। तो डाक खाने में यहाँ पे कितने प्रकार, यानी कि एक प्रकार, दो प्रकार, तीन प्रकार, कितने प्रकार से खाते खोले जा सकते हैं, ये आपको इसमें करना है। ठीक, सत्रहवां क्वेश्चन है पासबुक की क्या उपयोगिता है बताइए।
पासबुक की क्या उपयोगिता है, ये टिप्पणी में भी आ सकता है, ये वाला जो क्वेश्चन है पासबुक वाला, चेकबुक और पासबुक, ठीक है, ये अक्सर टिप्पणी में भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे इसकी उपयोगिता, यानी कि हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसकी उपयोगिता बतानी है, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है, बचत को सुरक्षित रखने वाली किन्हीं दो सरकारी संस्थाओं को बताइए, बचत को हम कहाँ सुरक्षित रख सकते हैं। तो यहाँ पे दो सरकारी संस्थाएं, जैसे कि बैंक है, डाकखाना है इत्यादि, ठीक। अगला क्वेश्चन है, चेक कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे चेक के प्रकार पूछ रहा है, तो यहाँ पे चेक के प्रकार आपको बताने हैं, ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय बचत पत्र क्या है, तो ये किसकी योजना है, तो ये डाकखाने की योजना है, ठीक है। और ये है क्या चीज, इसके अंदर मतलब ये किस प्रयोग में आता है, तो राष्ट्रीय बचत सरकारी योजना है ये, और डाकखाने की योजना है। तो ये हो गया बच्चों राष्ट्रीय बचत पत्र क्या है, तो इसमें राष्ट्रीय बचत पत्र ये टिप्पणी में भी आ सकता है और ये लघु में भी आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैंक में खोले जाने वाले किन्हीं चार खातों के नाम लिखिए, बैंक में कितने तरीके से हम खाते खोल सकते हैं उनके नाम लिखने हैं, और यहाँ पे चार खातों के नाम लिखने हैं, ठीक है। अगला है, रेखांकित चेक किसे कहते हैं, रेखांकित चेक किसे कहते हैं, ये लघु में भी आ सकता है और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है, ठीक है। अगला है, पारिवारिक आय के चार मुख्य स्रोत बताइए, आय हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, कैसे होती है, उसके हमें क्या बताने हैं, स्रोत बताने हैं, यानी कहाँ से अर्निंग होती है वो बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम स्रोत बोलते हैं, तो हमारे स्रोत क्या क्या हैं, यहाँ पे चार बताने हैं, ठीक है। अगला है, उपहार चेक क्या है, उपहार चेक क्या है, इस ये लघु में भी आ सकता है और अति लघु में भी आ सकता है, ठीक है। अगला है, चेक की उपयोगिता लिखिए, यानी कि चेक की उपयोगिता, हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसका महत्व क्या है, अगर यहाँ पे उपयोगिता की जगह पे महत्व आ जाता है तब भी आपको इसकी उपयोगिता याद की है तो महत्व लिख देना, महत्व याद किया तो उपयोगिता या आवश्यकता, बात एक ही है, ठीक है। चेक की आवश्यकता लिखिए, चेक की उपयोगिता लिखिए और चेक का महत्व लिखिए, तब भी आपको जो उपयोगिता याद करी है तो आप उसमें लिख सकते हैं। 26वां क्वेश्चन है, आशुत जल किसे कहते हैं, आशुत जल बताया था ना बच्चों, वीडियो बताया बनाया था तो उसमें मैंने बताया था, आशुत जल आसमन विधि के द्वारा तैयार किया गया जल आशुत जल कहलाता है, तो ये लघु में भी आ सकता है, ठीक है। मानव शरीर में जल की क्या उपयोगिता है, मानव शरीर अति लघु में आ गया तब तो इसको एक दो लाइन में क्लियर हो जाएगा कि मानव जल मतलब हमारे शरीर की पाचन क्रिया को सही करता है, सुचारू रूप से क्रियाशील रखता है और ब्लड को मतलब तरलता प्रदान करता है, ठीक है, और ये लघु में भी आ सकता है। अगला है, कुएं कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे कुएं कितने प्रकार, तो कुएं कितने प्रकार के, यहाँ पे प्रकार बताना है। जल का संगठन क्या है, तो जल का संगठन यानी कि जल इसमें सूत्र आ जाएगा, और इसका जैसे कि जल एक यौगिक है और इसका रासायनिक सूत्र है, अगर अति लघु में आता है तो, और अगर उसमें आता है लघु में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा लॉन्ग करना पड़ेगा। अगला है, निर्जलीकरण से क्या तात्पर्य है, ये लघु में अक्सर करके आ जाता है, ये बार निर्जलीकरण वाला लघु में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है, तो बच्चों इसको लघु के रूप में ही याद करना और अति लघु के रूप में भी याद कर लेना है, ठीक है। वर्षा के जल की क्या विशेषता है, ये लघु के रूप में आता है और दीर्घ के रूप में भी आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी आ जाता है, ठीक है। वर्षा के जल की विशेषताएं, यहाँ जल की विशेषताएं लिखनी है, ठीक है। वर्षा का जल कैसे कैसे होता है ना, किस प्रयोग में ला सकते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, 32वां, जल का अपव्यय रोकने के उपाय बताइए, तो यहाँ पे क्या है, जल का अपव्यय, तो यहाँ पे अगर ये शब्द आ जाता है अपव्यय, तो यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अपव्यय का मतलब होता है अधिक खर्च, ठीक है, यानी कि फिजूल खर्च, ये मान के चलो, ठीक है। तो जल का जो अधिक खर्च होता है उसको रोकने के उपाय, हम उसको कैसे कम कर सकते हैं, जल को जो जल का उपयोग है हम उसको जैसे कि जितनी आवश्यकता है उतना ही खर्च करें, है ना, अनावश्यक उसका खर्च ना करें, तो यहाँ पे कम खर्च हो उसके लिए
उपाय बताइए, उपाय बताने हैं इसमें, ठीक है। तो ये लघु में भी आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। ये अति लघु में भी आ सकता है, लघु में भी आ सकता है और दीर्घ में भी आ सकता है, क्योंकि दीर्घ में आएगा तो हम इसका डिटेल करेंगे, जैसे कि वर्षा, वर्षा का जल, झरने का जल, नदियों का जल और तालाबों का जल, ठीक है। तो अंतस्थलीय और स्थलीय, ये सारे इसमें इसका फिर डिटेल करना पड़ेगा। अगर लघु आता है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत, तो मुख्य स्रोत क्रम वाइज आपको लिखना है। और अगर अति लघु में आता है तो केवल उसको आप, जैसे कि सबसे पहले आप लिखेंगे वर्षा, फिर समुद्र, फिर नदियाँ, फिर उसके बाद में जो झरने, तालाब, कुएं, इस तरीके से आप जल के स्रोत में कर सकते हैं अति लघु में। और लघु में आता है तो इसका थोड़ा सा डिटेल, और अगर दीर्घ में आता है तो फिर इसका पूरा डिटेल करना पड़ेगा, इसका पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके बाद में फिर उसका डिटेल करना पड़ेगा। ऐसे अगला क्वेश्चन है, आदर्श कुआ किसे कहते हैं। आदर्श कुआ किसे कहते हैं, ये अक्षर करके लघु में आता है बच्चों, ठीक है, और अति लघु में भी आ सकता है ये, ठीक है। तो आदर्श कुआ कैसी जगह पे होना चाहिए, ऊंची जगह पे होना चाहिए या समतल जगह पे होना चाहिए। तो आदर्श कुआ पे एक कुआ यहाँ पे किसे कहते हैं, तो आदर्श कुआ हमारा ज्यादातर आदर्श कुआ कौन से होते हैं, जैसे कि ऊंची जगह पर और साफ और स्वच्छ जगह पर होना चाहिए, आसपास नालियां नहीं होनी चाहिए, वो आदर्श कुआ कहलाते हैं, और आसपास चारों तरफ उसके मतलब पक्का होना चाहिए, ठीक है। तो वो आदर्श कुआ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के विजातीय तत्वों को जल किन किन रूपों में शरीर से बाहर निकालता है। तो शरीर के विजातीय, यहाँ पे विजातीय तत्व जल किन किन रूपों में बाहर, जैसे कि पसीने के रूप में बाहर निकालता है ना। तो इस तरीके से ये लघु में भी आ सकता है और अति लघु तो ये है ही है, ठीक है। अगला है, अशुद्ध जल के माध्यम से फैलने वाले मुख्य रोगों के नाम बताइए। अशुद्ध जल से जैसे हैजा, पेचिस, अतिसार, ठीक है। अब अगला है, टाइफाइड उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम, यहाँ पे जीवाणु का नाम लिखना है, ठीक है। टाइफाइड कौन से जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है, उस जीवाणु का नाम लिखना है यहाँ पे। अतिसार से बचने के उपाय लिखिए, तो अतिसार से बचने के ये उपाय, अतिसार ज्यादातर बरसात के दिनों में है, जो के नाम है पेचिस है, अतिसार है, तो ये किससे ज्यादातर गर्मियों में या बरसात के दिनों में उसके अशुद्धि, अशुद्ध जल के कारण हो जाता है। तो यहाँ पे बचने के उपाय कि जैसे कि हमें पानी उबाल कर और ठंडा करके पानी पीना चाहिए, ठीक है, और हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए, तरल पदार्थ लेने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हैजा रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है। यहाँ पे जीवाणु का नाम लिखना है, ठीक है, कौन से जीवाणु के द्वारा हैजा फैलता है। अगला, मक्खियों द्वारा फैलने वाले रोग बताइए। मक्खियों द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं, यहाँ पे रोगों का नाम बताना है, ठीक। अगला है, पेचिस रोग के प्रकार लिखिए। पेचिस दो प्रकार की होते हैं, अगला क्वेश्चन है, पेचिस रोग के प्रकार, तो यहाँ पे पेचिस रोग के प्रकार, पेचिस दो प्रकार की होती है बच्चों, उसके नाम लिखने हैं यहाँ पे। 42वां क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण में क्या अंतर है। तो यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण किस किस से होता है, फिर वायु प्रदूषण कैसे होता है, उनमें पहले तो ध्वनि प्रदूषण का अंतर स्पष्ट कर दीजिए और उसके बाद में वायु प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण जैसे कि सायरन है, हॉर्न है जैसे बोलते हैं, लाउड स्पीकर है, और ये सब जैसे कि वो बैंड है, बैंड की आवाज़ आती है, तो ये भी ध्वनि प्रदूषण के अंतर आता है, अंतर्गत आता है। वायु प्रदूषण जैसे वायु में जो अशुद्ध जो केमिकल्स की जो स्मेल है, जो घुल जाती है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, तो उससे वायु प्रदूषण हो जाता है, ठीक है। तो उसमें ये अंतर स्पष्ट करना है। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष पर्यावरण को कैसे शुद्ध करते हैं। ये तो बच्चों वृक्ष कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, वृक्ष नहीं होंगे तो हमारा पर्यावरण शुद्ध हो ही नहीं सकता, ठीक है, ना वायु शुद्ध होगी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, वृक्षारोपण से क्या लाभ है। तो यहाँ वृक्षारोपण से लाभ लाभ स्पष्ट करने हैं आपको, ये लघु में भी आ जाता है। और एक ये है, वृक्ष पर्यावरण को कैसे शुद्ध करते हैं, ये भी लघु में आ जाता है, ठीक है। अगला है, वायु प्रदूषण से फैलने वाले रोगों के नाम लिखिए। वायु प्रदूषण से फैलने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो यहाँ रोगों कौन कौन से रोग फैल जाते हैं वायु प्रदूषण के द्वारा, तो वो यहाँ पे नाम लिखने हैं आपको।
ठीक है, ये भी लघु में आ जाता है। पर्यावरण से आप क्या समझती हैं, ये लघु में भी आ जाता है और उसमें अति लघु में भी आ जाता है। अगर ये लघु में आता है तो इसका अर्थ स्पष्ट करने से पहले पहले इसको क्या करना है, जैसे कि पर्यावरण का अर्थ क्या है, जैसे पर्यावरण किन किन दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे पर्याधन आवरण, या फिर उसका अर्थ स्पष्ट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लघु में भी आ जाता है, तो इसको स्पष्ट कर देना है। ठीक है, अगला 47 क्वेश्चन है, कचरा प्रबंधन से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ कचरा प्रबंधन, सबसे पहले तो यहाँ कचरा और प्रबंधन का मतलब समझ में आ जाना चाहिए। तो प्रबंधन का मतलब होता है उसको तरीके से व्यवस्थित रूप से रखना। ठीक है, अब इसका तात्पर्य क्या है, तो कचरा प्रबंधन से जैसे कि हमें कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, गीला जो कूड़ा होता है उसको अलग रख डालना चाहिए, सूखे कूड़े को अलग रखना चाहिए, है ना। अब ये क्यों आवश्यक है, तो ये आवश्यक इसको मतलब आवश्यक यहाँ पे इसका कचरा प्रबंधन का आवश्यकता यानी कि महत्व और मतलब इसको स्पष्ट कर देना है। तो जैसे कि अब क्यों आवश्यक है, तो अगर अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, गंदगी फैलेगी, गंदगी फैलेगी तो बहुत सारे रोगों का जन्म होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं। तो ये लघु में आ जाता है, ये भी लघु में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, अगला है, चिकनगुनिया नामक रोग के मुख्य लक्षण बताइए। तो यहाँ लक्षण स्पष्ट करने हैं। ठीक है, अगला है, लू लगने पर रोगी को क्या देना चाहिए। तो ये अति लघु में भी आ जाता है और लघु में भी आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किन्हीं चार तरल आहारों के नाम बताइए। तो किन्हीं चार जो तरल आहार होते हैं बच्चों, वो किसके लिए होते हैं, रोगियों के लिए होते हैं, जो सुपाच्य होते हैं, जो जल्दी पच सके, जिससे रोगी को मतलब ज्यादा भारीपन ना लगे। ठीक है, तो उसके लिए तरल आहारों के नाम बताइए। तो आपको तरल आहारों के नाम बताइए, जैसे जौ का पानी है ना, और साबुदाने जो उसका पानी है, उसका टोस्ट का पानी है। ठीक है, तो ये सब किस में आ जाते हैं, चाय है, दूध है, कॉफ़ी है, ये सब क्या आता है, तरल आहारों में आ जाते हैं। अगला है, टोस्ट वाटर को तैयार करने की विधि। ये बच्चों आपको लघु में भी याद करना है, क्योंकि टोस्ट वाटर को तैयार करने की विधि यहाँ पे तैयार कैसे करते हैं टोस्ट वाटर को, तो जैसे कि टोस्ट ले लिए और उसको उसमें गर्म पानी में डाल दिए, फिर उसको क्या करते हैं, अलग उनको छान लेते हैं और उस पानी को रोगी को दिया जाता है। ठीक है, अगला है 53 क्वेश्चन, अतिसार व पेचिस में दिए जाने वाले आहार बताइए। अतिसार और पेचिस में कौन कौन से आहार दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पेचिस और अतिसार मिला जुला है, जो जो प्रॉब्लम अतिसार में आती हैं वही पेचिस में आती हैं, लेकिन पेचिस पेचिस में क्या होता है, आउंसी आने लगती है। ठीक है, और अतिसार जो है बार बार, इसमें पानी की भी कमी हो जाती है, बार बार मतलब उसको फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है, तो इसमें पानी की भी कमी हो जाती है। तो ऐसे मतलब रोगी को हम तरल आहार इसलिए देते हैं जिससे कि उसमें पानी की कमी भी पूर्ति हो और पौष्टिक तत्व भी उसके अंदर पहुंचे। अगला है, पैर की अस्थि टूट जाने पर क्या प्राथमिक उपचार करेंगे। तो जब जैसे कि पैर की हड्डी टूट जाती है, अस्थि का मतलब हड्डी टूट जाती है, तो उसमें सबसे पहले डॉक्टर के जाने से पहले आप क्या उपचार करेंगे, वो प्राथमिक उपचार कहलाता है। ठीक है, अगला, अस्थि भंजन के मुख्य प्रकार यहाँ पे प्रकार स्पष्ट करने हैं आपको, ये लघु में भी आ जाता है और अति लघु बनकर भी आ जाता है। ठीक है, मोच के दो लक्षण लिखिए, मोच के दो लक्षण जैसे कि सूजन आ जाना, दर्द का होना। ठीक है, अगला है, श्वसन तंत्र के अंगों के नाम लिखिए। श्वसन तंत्र के अंगों के नाम लिखिए। अगला है, नाक से श्वास लेने के मुख्य लाभ। नाक से श्वास लेने से मुख्य लाभ यहाँ पे यानी कि क्या क्या हमें फायदे होते हैं नाक से जब हम सांस लेते हैं, तो वो यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कि नाक से अगर हम मुंह से सांस लेंगे तो क्या होगा कि उसमें
अशुद्ध वायु भी हमारे अंदर प्रवेश कर सकती है। और नाक के अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे जो बाल होते हैं हमारे नाक के अंदर, वो गंदगी को बाहर ही रोक लेते हैं और शुद्ध जो वायु होती है हमारे नाक के द्वारा पहुंचती है। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे लाभ स्पष्ट कर देने हैं। अगला है लावाड विधि क्या है। अब बच्चों ये लघु में भी आ जाता है और अति लघु में भी बनकर आ जाता है। तो लावाड विधि यहाँ पे क्या है, जब रोगी को जैसे कि रोगी जैसे पानी में डूब जाता है, ठीक है, और पानी से जब निकाल के लाएंगे तो उसको सांस की और पानी निकाला जाएगा और उसको जैसे कि सांस की जब जरूरत पड़ेगी, श्वसन क्रिया की जरूरत पड़ेगी, तो उसको क्या करते हैं, उसकी लावाड़ विधि में उसकी जीभ को एक साफ अच्छे कपड़े से पकड़ के और उसको ऑक्सीजन दिलवाई जाती है। तो वो होती है लावाड़ विधि। अगला है 60 क्वेश्चन, गरारे करने से क्या लाभ होता है। तो गरारे करने से जैसे कि हमारे गले से संबंधित जैसे कोई समस्या है, जैसे कि टॉन्सिल्स का हो जाना या गले में खराश हो जाना या गले में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम गरारे अगर करने से तो हमारा क्या होता है, हमारा गला साफ रहता है, आवाज़ स्पष्ट हो जाती है, खिचखिच दूर हो जाती है, गले में जो 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 फांसी जो पड़ी होती हैं वो क्लियर हो जाती है, ठीक है, तो उसमें गले में आराम मिलता है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है रिंग कुशन का प्रयोग कब करते हैं। रिंग कुशन का जब रोगी लेट नहीं पाता है तो ऐसे में हम क्या करते हैं, रिंग कुशन का प्रयोग करते हैं। अगला है ताप क्रम चार्ट बनाने की क्या उपयोगिता है। ताप क्रम चार्ट बच्चों ये ताप क्रम चार्ट बनाने की आवश्यकता जब पड़ती है, जब जैसे कि रोगी को जैसे कि टेम्परेचर ज़्यादा है और उसको हम उसको एक चार्ट बनाते हैं जिससे कि उसे पता चल जाए कि अभी एक घंटे पहले कितना था टेम्परेचर और अब कितना है, तो इससे क्या होगा कि हम उसी के अनुसार डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो तापक्रम चार्ट बनाने की वहाँ पे आवश्यकता पड़ जाती है और इलाज करना सुलभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन है, एनीमा से आप क्या समझती हैं। तो ये लघु में भी आ जाता है और अति लघु में भी आ जाता है, ठीक है। एनीमा से आप क्या समझती हैं, ये ज़्यादातर बच्चों में एनीमा लगाया जाता है क्योंकि पेट से संबंधित जैसे कि फ्रेश नहीं हो पाते हैं बच्चे, तो इस कंडीशन में बच्चों को क्या होता है, एनीमा से उसको फ्रेश करवाया जाता है, ठीक है। 64 क्वेश्चन है, भोजन पकाने की उत्तम विधि क्या है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, तो भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है, उत्तम विधि क्या है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनकर आ जाता है। तो आप इसको भोजन पकाने की विभिन्न विधियां अगर याद करेंगे दीर्घ क्वेश्चन के लिए, तो उसमें लघु भी क्लियर हो जाएगा और अति लघु भी क्लियर हो जाएगा। पाक क्रिया के मुख्य उद्देश्य क्या है। पाक क्रिया यानी कि भोजन पकाने की जो क्रिया है उसका क्या उद्देश्य है, यानी हम भोजन पकाकर क्यों खाते हैं, तो उसका क्या उद्देश्य है, तो यहाँ पे उद्देश्य उसका स्पष्ट करना है। अगला, भोजन पकाने की विधियों के नाम लिखिए। तो ये दीर्घ में भी आ जाता है और लघु में भी आ जाता है और अति लघु में आता है, तो इस तरीके से आता है कि किसी एक विधि का वर्णन कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग का क्या महत्व है, इसके लाभ लिखिए। ड्राफ्टिंग का यहाँ पे महत्व या आवश्यकता या उपयोगिता, ठीक है, और इसके लाभ, ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट कर देने हैं। ये दीर्घ में भी आ जाता है, दीर्घ भी बनकर आ सकता है, ये लघु भी बनकर आ सकता है और अति लघु भी बनकर आ सकता है, ठीक है। सिलाई किट बनाने से क्या लाभ है, यहाँ सिलाई किट बनाने से क्या लाभ है। अगर ये आता है कि सिलाई किट किसे कहते हैं, तो उसमें क्या करना है, सिलाई किट मतलब एक सिलाई से संबंधित सामान रखने का एक बॉक्स होता है जिसमें हर तरह का सामान रखा जाता है, तो इस तरीके से तो उसका उसका वर्णन हो गया, सिलाई किट किसे कहते हैं। अब इससे लाभ क्या है, ठीक है, अब इससे लाभ तो इसमें बहुत सारे, ये लघु में भी आ सकता है, ठीक है। अब सिलाई किट में क्या क्या रखा जाता है, सामग्रियों के नाम लिखिए, तो उसमें नाम आ जाएंगे, जैसे सुई है, धागा है, हर तीन चार तरह की सुइयाँ होती हैं, मशीन की सुइयाँ होती हैं, तुरपन की, बखिया की, है ना, ये बहुत सारे, इंची टेप होता है, कैंची होता है, मिल्टन चौक होता है, बहुत सारे सामान होते हैं उसमें, ठीक है। तो लघु में आता है अक्सर करके, ये लघु में ही आ जाता है, सिलाई किट बनाने से क्या लाभ है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन, डेंगू रोग के लक्षण एवं बचने के उपाय लिखिए। ठीक, तो डेंगू रोग के लक्षण एवं बचने के उपाय, तो ये लघु में आ सकता है, लघु में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन, किन्हीं चार संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। तो यहाँ चार संक्रामक रोगों के नाम लिखने हैं आपको। ठीक है, ये अति लघु में भी आ जाता है, लघु में भी आ जाता है, और इसका अगर संक्रामक रोगों के नाम लिखिए, सब विस्तार समझाइए, तो वो ऐसे करके दीर्घ बनकर भी आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन, निःसंक्रामक पदार्थ किसे कहते हैं। निःसंक्रामक पदार्थों के नाम लिखिए। ठीक है, जो निःसंक्रामक पदार्थ कौन से होते हैं, जिससे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब क्षमता को बढ़ाते हैं, या फिर मतलब जो होते हैं ना, जो रोगों को नष्ट करने के जो पदार्थ होते हैं, उनको कहते हैं निःसंक्रामक पदार्थ। ठीक है, जो कीटाणु और जीवाणुओं को नष्ट करने के जो केमिकल्स होते हैं, उनको कहते हैं निःसंक्रामक पदार्थ, यानी कि रोगों को नष्ट करने की पदार्थ। अगला है कूड़ा करकट के निस्तारण, कूड़ा करकट के निस्तारण की मुख्य विधियों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर निस्तारण का मतलब इनको नष्ट करने की विधियाँ, इनको कैसे नष्ट किया जा सकता है। एक तो सबसे पहले आ सकता है ये लघु में, कूड़ा करकट के निस्तारण की विधियों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर विधि केवल नाम लिख दे रहे हैं, जैसे कि घार कर नष्ट करना, जला कर नष्ट करना, या खाद बनाकर नष्ट करना। ठीक है, ये लघु के थोड़ा सा इसके उसमें आ जाएगा, थोड़ा सा लिखने से एक दो लाइन लिखने से ये हर एक जो हेडिंग है क्लियर हो जाएगी और आपका लघु तैयार हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन अगर दीर्घ में आता है तो इसको विस्तार से करना है बच्चों। तो ये था बच्चों आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, जो कि 2021 में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, संभावित क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड की परीक्षा में आने वाले हैं।